लोकसभा चुनाव 2024 की तारीखों का ऐलान हो चुका है। झारखंड की 14 लोकसभा सीटों के लिए 4 चरण में मतदान होगा। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने इसकी घोषणा कर दी है। झारखंड में पहले फेज का मतदान 13 मई को 4 सीटों पर होगा। दूसरे फेज का मतदान 20 मई को 3 सीटों पर होगा। तीसरे फेज का मतदान 25 मई को 4 सीटों पर और चौथे फेज का मतदान 1 जून को 3 सीटों के लिए होगा। मतों की गिनती 4 जून को होगी। झारखंड में कुल मतदाताओं की संख्या 2,53,86,152 है। इसमें पुरुषों की संख्या 1,29,37,458 है, जबकि महिलाओं की संख्या 1,24,48,225 है। इस बार 22 लाख से अधिक ऐसे वोटर हैं जो पहली बार मतदान करेंगे, जिसमें 18 से 22 वर्ष के मतदाताओं की संख्या 21,67,270 है। इसमें युवकों की संख्या 10,64,228 है, जबकि युवतियों की संख्या 11,02,903 है। इसमें महिला वोटर्स की संख्या में इजाफा हुआ। 18 से 19 वर्ष के मतदाताओं की संख्या 7,71,628 है। इसमें लड़कों की संख्या 3,44,866 है, जबकि लड़कियों की संख्या 4,26,717 है। यहाँ भी महिला वोटर्स की संख्या बढ़ी है। 80 साल से ज्यादा उम्र के मतदाताओं की बात करें तो उनकी संख्या 2,69,774 है। थर्ड जेंडर मतदाताओं की संख्या 469 है। इस बार कुल मतदान केंद्र की संख्या 29,464 है। बता दें कि झारखंड में कुल 14 लोकसभा सीटें हैं। इनमें 8 सामान्य सीटें हैं, 5 सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है, जबकि 1 सीट अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है। झारखंड में कुल 14 लोकसभा क्षेत्र है। इन 14 संसदीय सीटों के नाम सिंहभूम, हजारीबाग, कोडरमा, रांची, जमशेदपुर, गोड्डा, चतरा, धनबाद, गिरिडीह, खूंटी, लोहरदगा, राजमहल, दुमका और पलामू है। पूरे देश में जब चौथे फेज की वोटिंग होगी तब झारखंड में पहले चरण का मतदान होगा। झारखंड में पहले चरण में सिंहभूम, खूंटी, लोहरदगा और पलामू में 13 मई को वोट डाले जाएंगे। दूसरे फेज में चतरा, कोडरमा, हजारीबाग में 20 मई को मतदान होगा। तीसरे चरण में गिरिडीह, धनबाद, रांची और जमशेदपुर सीट पर वोटिंग होगी। चौथे फेज में राजमहल, दुमका और गोड्डा में मतदान होगा। लोकसभा चुनाव की घोषणा के साथ ही झारखंड में आचार संहिता प्रभावी हो गई है। झारखंड के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने इससे संबंधित आदेश जारी कर दिया है। इसके तहत कोई भी व्यक्ति, राजनीतिक दल, संगठन, उम्मीदवार और अभ्यर्थी राजनीतिक प्रयोजन से संबंधित किसी भी प्रकार की सभा, जुलूस, धरना प्रदर्शन नहीं कर सकते। इसके लिए सक्षम पदाधिकारी से अनुमति लेनी होगी। वहीं लाउडस्पीकर का प्रयोग रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक वर्जित रहेगा। इसके अलावा सार्वजनिक और सरकारी संपत्ति पर नारा लिखना, पोस्टर व पंपलेट चिपकाना, पार्टी विशेष का झंडा लगाना, सड़कों पर बैनर, होर्डिंग और तोरण द्वार लगाना प्रतिबंधित है। वहीं चुनाव प्रक्रिया खत्म होने तक धारा 144 लागू रहेगी। हालांकि शादी, बारात, पार्टी, शव यात्रा, हाट बाजार, मरीजों को लेकर अस्पताल जा रहे लोगों, विद्यालय या महाविद्यालय जाने वाले विद्यार्थियों, सरकारी कर्मचारी व पुलिस बल पर यह लागू नहीं होगा। के रवि कुमार ने कहा है कि वोटरों को पैसा देना या डराना धमकाना आदर्श चुनाव आचार संहिता के दायरे में आएगा। जाति, संप्रदाय या धर्म, भाषा के आधार पर मतभेद कायम करने पर कार्रवाई होगी। किसी के भी व्यक्तिगत जीवन पर टीका टिप्पणी करने पर रोक रहेगी। वोट हासिल करने के लिए जाति या संप्रदाय के आधार पर अपील करना वर्जित होगा। मंदिर, मस्जिद, चर्च का उपयोग पार्टी कार्यालय या मंच के लिए नहीं होगा। किसी की बैठक या जुलूस में व्यवधान उत्पन्न करना गलत होगा। TheFollowUp.in. Like, share, and subscribe. www.TheFollowUp.in.